हाय एवरीवन, आर्टिस्टिक विजन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पाचक इमली की गोली। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कप इमली। इमली को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बी निकाल ली है। अब हमें इमली को ग्राइंड करना है, कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक इसे ग्राइंड करना है ताकि इमली जो है वो अच्छे से पीस जाए, बारीक हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बारीक हो चुकी है इमली। ये देखिए, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड़। ये आधा कप गुड़ है। गैस को ऑन कर देना है और अब हमें इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून वाटर, पानी। अब हमें इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है और हमें गुड़ की चाशनी बनाना है। इस तरह से, ये देखिए हमारी चाशनी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी लिया है और कुछ ड्रॉप्स चाशनी के डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ये देखिए इसकी गोली तैयार हो रही है पानी के अंदर। इसका मतलब है हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट बन गई है। पानी में अगर चाशनी स्प्रेड नहीं होती है तो हमारी चाशनी परफेक्ट बन जाती है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून और पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून। और इसे कंटिन्यू। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली जो हमने ग्राइंड की थी। अब फ्रेंड्स इसे कंटिन्यू हिलाना है और बस 1 मिनट तक इसे चलाते रहना है और उसके बाद में गैस को ऑफ कर देना है और इसे हल्का सा ठंडा होने देना है। फ्रेंड्स, ये जो इमली की पाचक गोली है ये बहुत ही यूज़फुल है डाइजेशन के लिए। अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अगर गैसेस का प्रॉब्लम है तो ये गोली आप बना के रख दीजिए। ये ठंडा हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाउडर शुगर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, नमक। यहाँ पे मैंने लिया घी। घी को थोड़ा सा हाथ पे इस तरह से लगा लेना है ताकि आसानी से गोली बन जाए, हाथ को स्टिक ना हो। और इस तरह से हमें गोली बना लेना है। आप चाहे तो छोटी या बड़ी आपके हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। इस तरह से हमें सारी गोलियों को बना लेना है और ये देखिए। और अब हमें इस तरह से इसे पूरा शुगर में कोट कर लेना है। और फ्रेंड्स इसे पूरा ठंडा होने देना है। 2 घंटे तक बाहर रखना है इसे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रखना है। और आप ये गोली को 1 महीने तक खा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए हमारी इमली की पाचक गोली तैयार हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए। और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।